अब मैं और कुछ नहीं बोलने वाला, बस ये देखो आप लोग, यहाँ बाइक की हमारी हालत खराब हो गई, यहाँ भाई साहब साइकिल से घूम रहे हैं। गाइस जितना हम लोग खरदुंगा टॉप की ओर बढ़ते जा रहे हैं यार, ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है और ठंड बढ़ती जा रही है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। माई नेम इज़ अनुभव एंड यू आर वॉचिंग द अननोन आर्टिस्ट। तो यार नया दिन, नई शुरुआत, नया मंजिल, एक्चुअली मंजिल वही है, नए रास्ते हैं, नए चैलेंजेस हैं। तो फाइनली आज अपन लोग पहुँचने वाले हैं कहाँ भैया, लेह लद्दाख आज पहुँचने वाले हैं। आज का टोटल डिस्टेंस होने वाला है 220 किलोमीटर के आसपास, एक दिन में आराम से कवर हो जाएगा जैसे कल हुआ था। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली शाम तक पहुँच जाएंगे, अभी निकलने वाले हैं। इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता नहीं करेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे, थोड़ा सा मैगी खाएंगे। भाई साहब वादियों पहाड़ों की तो जान है मैगी खाएंगे, और क्या खाएंगे भाई, सुबह और कुछ मिलेगा नहीं। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है हमारे पास, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ से निकलते हैं, पैकअप करेंगे सारे जो बैग्स हैं, सैडल स्टे में जाके बांधना है, निकलते हैं, राइड कंटिन्यू करते हैं, बाकी बातें गोप्रो में। और दोनों भाई की तरफ से गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग प्रज्वल, सुप्रभात। सही है भाई, फुल हिंदी चल रही है अपनी, देसी हिंदी। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। सो अभी राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेह। लेह यहाँ से 225 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 किलोमीटर हम लोग वहाँ से आ चुके हैं। क्या हो गया भाई, क्या हुआ, कितना होगा जगह बताइएगा। ठीक है, एक्चुअली कल क्या हुआ था ना कि अपन लोग सबको आगे पीछे हो गया था, अंकल जी और मैं साथ साथ चल रहे थे, बट अतुल बहुत आगे आ गया था जिसकी वजह से मुझे ना शूट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बट यार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जब आप साथ में आ रहे हो, साथ में घूमो, एंजॉय करने के लिए, कोई रैली थोड़ी ना कि आप आगे निकल गए आप पीछे रह गए, तो साथ में घूमो एंजॉय करो। बाकी दिन सब दिन ठीक था, कल थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, मतलब आगे पीछे हम लोग हो गए थे, नेटवर्क का भी इशू था, इसी वजह से पहले ही हम लोगों ने यार डील बना लिया है भाई कि साथ में चलना है एंजॉय करते हुए। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, शाम तक आराम से कवर हो जाएगा। सो ठीक है, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं भाई और बाद में मिलते हैं। गाइस यार यू नेवर नो द वेदर ऑफ माउंटेन्स, आपको कभी भी आइडिया नहीं होता कि माउंटेन्स में किस तरह का वेदर हो जाए। भाई सुबह जब अपन लोग निकले थे तब पूरा धूप हो रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़े 5-10 किलोमीटर छाँव हो गया, ये देखो अभी की तरह, फिर आगे बढ़े ठंड लगने लगी, और भाई ठंड लगते लगते ही बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई यार, मतलब चुटकियों बजाते ही मौसम चेंज हो जा रहा है, हालत ख़राब हो गई। देखो फिलहाल अपन लोगों ने भाई तीनों भाई ने रेनकोट पहन रखा है, सॉरी कि यार अभी थोड़ा हाँफ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि माउंटेन्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव अभी अपन लोग 14,000 फीट पर आ चुके हैं, इसलिए मैं उतनी ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, जैसे ही बोल रहा हूँ तो पूरा हाँफने लग रहा हूँ। भाई अभी पीछे मेरी गाड़ी थोड़ी बंद हो गई थी, वहाँ गाड़ी को धक्का देने लिटरली बता रहा, मेरी वाट लग गई। भाई आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप लद्दाख आओगे भाई, तो जितने भी बाइकर्स आपसे क्रॉस करेंगे, जितने भी रास्ते में आपसे बाइकर्स मिलेंगे, तो आपको इस तरह या तो थम्सअप करेंगे या फिर विक्ट्री। तो भाई प्लीज़ आप भी उन्हें रिप्लाई कर देना, थम्सअप यानी ऑल द बेस्ट या फिर विक्ट्री यानी ले फतेह करके आना। भाई सुनसान है पूरा का पूरा एरिया, यही तो लद्दाख की स्पेशलिटी है, करनी है पक्का। चलो ठीक है भाई, ऐसा वीटो की तो बैंड बज गई है, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा भाई, लेकिन ले फतेह कर लिया भाई ने। भाई मेरी बाइक अभी 2 गियर में है, फिर भी देखो स्पीड देखो, भाग ही नहीं, मैंने फुल एक्सलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, यही हालत हो जानी है आपके गाड़ी की ले लद्दाख में। गाइस दिस इज़ व्हाई लद्दाख को सबसे एडवेंचरस
ट्रिप कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी आपके गाड़ी की सबकी वाट लग जाती है, बैंड बज जाती है भाई साहब। ये देखो कोई पिकअप ही नहीं है गाड़ी में। चल ले भाई नैया पार लगा दे आज। अब मैं और कुछ नहीं बोलने वाला, बस ये देखो आप लोग यहाँ बाइक की हमारी हालत खराब हो गई, यहाँ भाई साहब साइकिल से घूम रहे हैं। यार हेड्स अप भाई, इनका डेडिकेशन अलग ही लेवल का होता है, अलग ही लेवल का डेडिकेशन है, किसी में नहीं हो सकता। साइकिल से ले रहा था भाई साहब। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड मैग्नेटिक हिल। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, आगे थोड़े से क्लिप में आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही यूनिक चीज़ है, जो कि मतलब यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करोगे भाई, आपको एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक चलेगी। बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट भी हैं, पीछे देख सकते हो ये वाली जो बाइक है। A few moments later. तो भाई लोग, आपका भाई सही सलामत कारगिल से लेह पहुंच चुका है अपने दोनों भाइयों के साथ। जस्ट किडिंग गाइस, लेह सिटी अपन लोग आ गए हैं और फिलहाल अभी हैं जीजीत पैलेस में। बहुत सही होटल है यार, देख सकते हो भाई, छोटा सा आशिया है। दो दिनों के लिए अपना, यानी आज और कल, आज स्टे करेंगे, कल इसलिए क्योंकि कल जाना है अपन लोग को वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड यानी खरदुंगा टॉप पे, तो वहीं जाएंगे। उसके अलावा और भी कुछ प्लान्स हैं, इसलिए सारा लगेज है वो यहीं रहेगा। चेकआउट नहीं करेंगे, चेकआउट करेंगे उसके अगले दिन। पूरे रास्ते सिर्फ एक चीज़ मिली है, पता है क्या? बारिश। उसके अलावा और भी चीज़ें थी, जैसे कि हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और एक मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल मैंने दिखा दिया था गाइस, गुरुद्वारे में शूट करना अलाउड नहीं था, सो हमने रूल्स ब्रेक नहीं किए, अच्छा नहीं लगता है, और हॉल ऑफ फेम में भी अलाउड नहीं था, सो दैट्स वाई वी कुडंट। बट अभी और भी चीज़ें हैं, उससे भी खतरनाक, उससे भी बड़ी, उससे भी मज़ेदार, जो कि आप सबको देखना बाकी है, ज़रूर देखोगे, इसी ब्लॉग में देखोगे, कल देखने को मिलेगा। तो ठीक है भाई, जा रहे हैं, कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगी है गाइस। ट्रैवलिंग के टाइम पे, राइडिंग के टाइम पे, मतलब भाई डाइट का और खाने का धज्जिया उड़ जाता है, लिटरली बता रहा हूँ। आपको पता ही होगा, आप लोग ट्रैवल करते होगे तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता, सिर्फ मैगी, चिप्स, कुरकुरे, यही सब होता है, खाना बिल्कुल भी नहीं। सुबह खा लिया तो खा लिया, रात में मिलती है, इसलिए भाई अभी का खाना बहुत तगड़ा वाला खाने वाले हैं हम लोग। ठीक है भाई, कल सुबह मिलते हैं, एडवांस में गुड मॉर्निंग और फिलहाल के लिए गुड नाइट। What's up guys, सुप्रभात डायरेक्टली फ्रॉम ले, आज की सुबह ले में। तो यार अब जाके लग रहा है कि फाइनली उस जगह पे हम लोग आ गए हैं जिसके लिए इतनी मेहनत करके घर से निकले थे 9-10 दिनों बाद। यार बीच में बहुत सारे हर्डल्स आए, दिस इज़ वाई इतना लेट हो गया यहाँ पे आने में। सो राइट नाउ अभी हम लोग को इनर लाइन परमिट चाहिए, जो कि आप लोगों को पता है लेह में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट बनता है, जिसके लिए वो लोग 600-650 रुपये लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को घूमना है खरदुंगला जाना है यहाँ से, क्योंकि आज का जो स्टॉप है खरदुंगला पे है भाई, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। सो ये है अपने होटल का व्यू, मतलब जो बालकनी है, गैलरी है। फिलहाल अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने रूम की सैर करवाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि दोनों भाई लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो क्या मोहित बाबू, तो भाई ऐसी हो रही है हालत भाई, हालत क्या, जहाँ भी स्टे करते हैं ऐसा ही हो जाता है, इतना सारा लगेज है और इतना थक जाते हैं भाई, कुछ भी सेट करने का मन नहीं करता। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू गो, हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं यार। एक्चुअली सुबह हम लोग परमिट निकालने की कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं पाया, कि उसका साइट है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और जिस लोकेशन पर हम लोग को जाना है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा था। सो अभी एक मैम इन सब में हमारी हेल्प कर रही है, यहाँ पीछे में आप लोग देख सकते हो, सो थैंक्स टू मैम जो इतनी हेल्प कर रही है हमारी। ठीक है भाई, बाद में मिलते हैं, बाकी बातें GoPro में। सो अभी एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, दिक्कत ये कि यहाँ पे UPI नहीं चलता है, हम लोग के पास अकाउंट में था,
बट फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कार्ड रखा हुआ है, तो हम लोग कार्ड स्वाइप कर देंगे। देख रहे हो भाई का दिमाग कैसे चलता है घोड़े की तरह तेज तेज। मजाक कर रहा था यार, आई नो बहुत सस्ता जोक था। सो यहाँ से फ्यूलिंग करवा लेते हैं और निकलते हैं खरदुंगला पास की तरफ। गाइस जितना हम लोग खरदुंगला टॉप की ओर बढ़ते जा रहे हैं यार, ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है और ठंड बढ़ती जा रही है। गाइस आई फील लाइक कि मुझे राइडिंग जैकेट के अंदर से और भी एक जैकेट या फिर दो तीन जैकेट पहन लेने चाहिए थे यार। मेरे को लगा धूप है, बहुत हार्ड धूप है, ठंड नहीं होगी, पर मैं भूल गया था ऊपर जा रहे कितनी धूप हो ठंड लगेगी। शिट ये क्या हो गया भाई, मैम एंट्री बैन हो गई क्या? एंट्री बंद नहीं है, रोड बंद है। जैसे आज नहीं हो पाएगा कल हो सकता है? अरे यार भाई पंगे हो गए। सो गाइस अभी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वो ले का व्यू पॉइंट था जो कि रिसेंटली बना, क्योंकि जब अपन लोग लास्ट टाइम आए थे तब बना हुआ नहीं था। सो बहुत सही है, वहाँ से पूरा ले का व्यू आता है भाई, पूरी सिटी दिखती है, इसलिए वहाँ पे बनाया गया है। सो वहाँ आना, ज़रूर फोटो शूट करना, भाई ने खतरनाक वाला रील्स बनाया है, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जब मैं अपलोड करूँगा तब। अपने साथ साथ दो नए बाइकर्स भी जुड़ गए, दोनों भाई तमिलनाडु से है, अभी रास्ते में वहीं पर हमारी बातचीत हुई थी। और भाई की जो RC है वो बहुत ही अच्छी मॉडिफाइड है, और जो उस भाई के पीछे जो पिलियन है जो भाई है वो बहुत ज़्यादा खुश है, भाई पूरे रास्ते डांस करते हुए आ रहा है। इफ़ आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम हमारी यहीं पे चेकिंग हुई थी, यहीं पे चेक है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपके नाम से है या नहीं, या फिर आप विदाउट परमिशन विदाउट इनर लाइन परमिट के यहाँ पे आ गए हो। सही कहा था, यही है। मेरा भी लिखवा दिए अतुल। यू नो वॉट, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था और शायद एक्साइटेड भी, क्योंकि मैं इस खूबसूरत जगह को फिर से विटनेस करने वाला था अपनी आँखों से। सो गाइस फाइनली इतने दिनों के राइड के बाद, इतने हर्डल्स क्रॉस करने के बाद या इतने चैलेंजेस ओवरकम किए, फाइनली वी आर एट खरदुंगला टॉप। इन शॉर्ट कहूँ तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पीछे देखो भाई साहब, पूरा बर्फ पड़ा हुआ, इधर हालत ख़राब हो रही है। मैं सोचा था कि यहाँ पहुँच के अपना जो रेनकोट है वो निकाल लूँगा, जैकेट डालूंगा, फोटोशूट करूँगा, बट हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना, तो ये भंडारा निकालने का लग रहा है भाई, तीन चार जैकेट ले आने चाहिए थे हम लोग को। अरे भाई क्या कर रहा भाई, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, सिर्फ मेरे लिए क्या, किसी भी बाइकर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करता है आज का दिन। यू नो व्हाई, क्योंकि भाई वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जाना अपनी बाइक के साथ, भाई साहब ये अलग ही फीलिंग है, जो कि आज पूरी हो गई, लास्ट टाइम नहीं हुई थी। एक और विषय, एक और चीज़ है जो कि मुझे पूरी करनी है, बट वो अभी नहीं, वो बाद में बताऊँगा, करके दिखाऊँगा। सो गाइस मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लद्दाख सीरीज़ का 5वां ब्लॉग आज संपन्न हुआ। भाई सब कौन कहता है कि लेह में बारिश नहीं होती है, अपना अलग ही पोपट हो रखा है, जब से आए सिर्फ बारिश ही मिली है और कुछ नहीं मिल रहा है। आज बजा कुछ था बर्फ, वो भी देख लिया खरदुंगला टॉप पे। होप सो आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं लद्दाख सीरीज़ के, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल द अननोन आर्टिस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।